देखो, मेरा नाम हमदू बहलान है। मैं भी अराउंड का रहने वाला हूँ। मैं खुद भी जो है वायरल फीवर से परेशान हूँ। डेंगू तकरीबन 8 दिन हो गया मेरे को भी। घर में मेरे भी 2-3 बच्चों को हो गया, उन लोगों को भी ले आके शरीक करा। बिल्कुल कोई साफ सफाई का जरिया ही नहीं दिख रहा, हमको नज़र ही नहीं आ रहा। गलियों में क्या, नालों में क्या, बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं है। गंदगी वैसी है, हर घर में 3-3 4-4 बच्चे पड़े हुए हैं। अब देखो, ये हमारे भतीजे का इंतकाल हो गया यही वायरल फीवर की वजह से, गंदगी की वजह से। कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। इतना परेशान है हम लोग कि बता नहीं सकते भी। कोई आके जो है सो खुद आके देखो, जायजा लिए तो मालूम हो जाता है उनको। रोडों पे देखो, नाले वैसे खुले पड़े हुए हैं, कचरा वैसे पड़े हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई नालों को देखने वाला नहीं। यही तकरीबन 30-40 साल हो गया हमारे यही हाल से जिंदगी गुजर रही है हम लोग। बस हुकूमत से डिमांड क्या है, हुकूमत खुद जानती, 10 खुद आके भी गए लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं। कोई नाले वैसी छे, नालियां वैसी छे, ना कोई रोड है, ना कोई मीठा पानी की सहूलत है हमारे को। मीठा पानी छोड़ो, खारे पानी की भी सहूलत नहीं। खुद अपने पैसों से बोर दला के जो सो पानी ले रहे हैं सो हम लोग। ना नालियां कोई साफ करने वाला है। और हुकूमत से एक बात ये कहना था कि वाकोबान हॉस्पिटल है, लाइफलाइन हॉस्पिटल है, 24/7 बोल के है। सुबह में फजर में गए तो कोई नहीं है वहाँ पर, एक नर्स है बस, वार्ड बॉय है। जाके बोले तो नहीं, हमारे पास इमरजेंसी कुछ भी नहीं है बोल के बोले। सिर्फ बच्चों क्या करे, भपकारा दे दिए, छोड़ दिए। फिर उसके बाद हम गए दवाखाने को, जाके आए, खैर मकसूम में मौत थी, खैर अल्लाह मगफिरत करे, बच्चे को इंतकाल हो गया। हुकूमत से ये हमारी इल्तिजा है कि आप लोग जो 24/7 बोल के हॉस्पिटल रख रहे, आप उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन करिए। क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल में रहना कंपलसरी रहना, खाली एक वार्ड बॉय रहना न तो एक नर्स रह रही तो फ़ायदा क्या। फिर इमरजेंसी नहीं रखना हॉस्पिटल में, बोल देना भाई ये हॉस्पिटल में इमरजेंसी नहीं है बोल के। हम खुद वहीं नहीं जाते, कहीं दूर चले जाते, कोई दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते। सर होना साहब,